फाइव स्टार मिलने वाला है, इसके ऊपर स्टार मिलेगा है, सेवन स्टार, लेकिन रेटिंग जो है इंडिया में फाइव की है। बेल्ट पर की आज मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा श्री विजय रावल जी से कि हमारे आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैम आपको इस अवसर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में नोएडा ने जो आज आपके विजन को, मैं आर के शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी साहब का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। सबसे पहले आज नोएडा अथॉरिटी के लिए और पूरे नोएडा के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। आज नोएडा को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 2014 के बाद से स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए जाते हैं। आज नोएडा को मिनिस्ट्री के द्वारा दो अवार्ड्स दिए गए हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है हम सभी लोगों के लिए। तो हाउस होल्ड मैपिंग हम लोगों ने पिछले वर्ष शुरू की, दूसरा पिछले वर्ष हमने कलेक्शन के साथ साथ गार्बेज के सेग्रीगेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए कि जहाँ सेग्रीगेशन नहीं हुआ है वहाँ रेगुलेटरी मेजर भी अपनाए जाएँ, गार्बेज उठाया ना जाए, और जहाँ किया जा रहा है उनको प्रमोट भी किया जाए। तो सेग्रीगेशन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल पिछले वर्ष हुई, जिससे हम लोगों को रैंक सुधारने में काफ़ी मदद मिली। इसके अलावा वेस्ट के जो विभिन्न टाइप्स हैं, चाहे वो सूखा कूड़ा है, गीला कूड़ा है, या इसके अलावा हजार्डस वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो विभिन्न कैटेगरीज के वेस्ट का साइंटिफिक डिस्पोजल हो पाए उसके लिए विभिन्न टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने अपनाई। हम लोगों का चौथा स्थान हो गया है। तो नोएडा प्राधिकरण को इस तरह से नोएडा शहर के लिए 2021 में बहुत सारे स्वच्छता के अवार्ड्स मिले, जिसके लिए मैं पूरी टीम, नोएडा अथॉरिटी की पूरी टीम और यहाँ के रेजिडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। किस किस तरीके के कदम उठाए गए थे? पिछले 2 से 3 वर्षों में लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है। हर घर से कूड़ा उठाने की पहल की गई, चाहे वो गांव है चाहे सेक्टर्स हैं। इसके अलावा वेस्ट की साइंटिफिक प्रोसेसिंग की तरफ कदम बढ़ाया गया, जो लेगेसी वेस्ट था उसको ख़त्म करने के लिए बायो रेमेडिएशन किया गया। लगभग 4 लाख मेट्रिक टन हम लोग वेस्ट प्रोसेस कर चुके हैं और 2 साइट्स हम लोग खाली करके डेवलप करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज के वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, वेट वेस्ट से कंपोस्ट निर्मित करना, तो वेस्ट का प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा कदम रहा। ODF++ करने के लिए शहर को 300 से अधिक हम लोगों ने टॉयलेट्स महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में बनाए हैं। इसके अलावा मैकेनिकल स्वीपिंग के माध्यम से, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स के माध्यम से शहर की सफाई में बहुत सुधार किया गया। विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे डस्टबिन्स इंस्टॉल किए गए। तो पूरा ये प्रयास किया गया कि कूड़े को उठाने से लेके और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी प्रोसेसिंग है, उसकी डिस्पोजल है, हर कदम पे हम लोग उसको साइंटिफिक तरीके से करें। उनको हम लोगों ने समय समय पर प्रोत्साहित भी किया, RWAs, इंडस्ट्रीज सबके बीच में कॉम्पिटिशन्स भी कराए, ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप हो, नोएडा के नागरिक इस मुहिम से जुड़े। इन्हीं प्रयासों के जरिए आज नोएडा की ये रैंकिंग्स बेहतर आई। मैम अगले साल के लिए